बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह का टाइम है और बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए निकल गए हैं, और बच्चों के जो जाने के बाद पहला काम होता है वो थोड़ा सा घर को मेंटेन करना, और उसके बाद नाश्ता करके और उसके बाद मैं निकल जाती हूँ इंग्लिश लर्निंग क्लासेस के लिए। और जनाब, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम बाहर आए हैं अपनी टीचर के साथ और वो हमें लेके आई हैं ओल्डम आर्ट गैलरी में। तो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने कहा चलें, मैंने यहाँ का विज़िट किया तो मेरे साथ आप लोग भी इसका विज़िट करें। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ की ओल्ड हिस्ट्री जो है वो सारी उन्होंने पिक्स के थ्रू जो है वो बयान की हुई है। तो ये साथ साथ जो है उन्होंने हर चीज़ की जो है वो पूरी डिटेल जो है वो साथ लिखी हुई थी, और साथ जो हमारी टीचर थी वो हमें साथ साथ जो है वो समझाती जा रही थी, इन्फॉर्मेशन देती जा रही थी। ये जो आप बर्ड्स देख रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल बर्ड्स हैं, और ये जो है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट जो ऑल है ये वो है और ये रियल है। उसके अलावा जो था यहाँ पर नायाब किस्म के बर्ड्स थे, और ये जो था ये ओल्डम ऑल था जो छोटा था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी हमारे लिए। और यहाँ पे आप जो स्वान देख रहे हैं ये भी जो है यहाँ पे यूके में उसका शिकार करना जो है वो क्राइम के ज़िम्मे में आता है, और यहाँ पे मना है उसको उसका शिकार करना। तो जनाब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने जो है इनकी ओल्ड हिस्ट्री को देखा, और हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है वो पता चला। और यहाँ पे हर पिक के नीचे उसकी पूरी तफसील लिखी हुई थी कि ये कौन है, क्या है, किस तरह से, हर चीज़ के बारे में तफसील थी। ये जो आप देख रहे हैं ये है केमिस्ट शॉप, जो पुराने ज़माने में जिस तरह से केमिस्ट जिस तरह से वो मेडिसिन वगैरह बनाते थे वो सारा कुछ यहाँ पे मौजूद था। और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे वो तमाम जो हैं बताई गई हैं इनके बारे में तफसीलात, और साथ साथ हर चीज़ के बारे में लिखा भी हुआ है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ये था डाई फैब्रिक जो कि इन्होंने हाथ से खुद डाई किया हुआ था, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और इसके जो हैं आपको पता है मुख्तलिफ़ कलर्स में इन्होंने वो डाई किए हुए थे, और ये हमारी टीचर ने हमें बताया कि ये फैब्रिक जो डाई है वो हुआ हुआ है। तो व्यूवर्स पता है आपको भी कि जब हम देखते हैं ये ओल्ड यहाँ की ओल्डनेस और उसके बारे में जानते हैं तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि बहुत मज़ा आता है इंसान को। और हमने बहुत कुछ यहाँ पे हमें पता चला, और बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे अच्छा फील किया सब स्टूडेंट्स ने। इसी तरह हमारी टीचर जो हैं वो हमें साथ साथ हर चीज़ के बारे में बताती जा रही थी। और यहाँ से अब जो है वो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक बहुत सीनरी थी बहुत बड़ी, और ये था ओल्डम जो था ये वो था, और उन्होंने टीचर ने हमें हम जहाँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो सारी स्ट्रीट्स जो हैं वो हमें दिखाई कि ये जो हैं वो ओल्ड स्ट्रीट थी जहाँ जहाँ आप रहते थे, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन नीचे उन्होंने दी हुई थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि देखना कि तब का और अब का जो फ़र्क है वो हमने देखा। और उसके बाद जो है टीचर ने हम सब से हमारा जो है वो एक छोटा सा टेस्ट लिया कि आपने यहाँ पे जो जो कुछ देखा आप अपने अल्फाज में उसको लिखें। तो यहाँ से हम फिर नीचे आए, और ये आप एक पुरानी जो है वो देख सकते हैं बाइक, और ये एक ओरिजिनल जो था वो था डियर, और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए।
और बाहर आने के बाद फिर हमें छुट्टी थी, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा राउंड करें, मिलके थोड़ा सा विज़िट करें मार्केट्स का। तो हम लोग यहाँ पे सेंटर में आ गए और हम सब ने मिलके बहुत इंजॉय किया। डिफरेंट शॉप्स में गए, वहाँ पे हम लोग तमाम फ्रेंड्स ने जो है वो बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। और मौसम जो था वो भी बहुत प्यारा था और बारिश जो थी वो शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर सब फ्रेंड्स जो हैं वो अपने अपने घर की तरफ चल पड़ी और मैं अपने घर की तरफ आ गई। और मेरे घर आते आते इतनी तेज़ बारिश थी कि मैं पूरी, क्योंकि इतना पता नहीं था कि यहाँ पे मौसम का पता नहीं चलता कब बारिश आ जाए, तो मेरे पास अम्ब्रेला नहीं थी। तो वो घर पहुँचते पहुँचते जो है वो बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम था, और यकीन जाने उस दिन हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो प्लीज़ व्यूअर्स बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।